बर्डन ऑफ लाइफ। दोस्तों, मॉडर्न सोसाइटी में पैसे की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी भी इंसान के लिए पैसे की कमी के साथ एक नॉर्मल लाइफ भी जीना पॉसिबल नहीं रह गया है। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं, नहीं तो पैसे के अभाव में आपको एक इंफीरियर लाइफ जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोग ये भी मानने लगे हैं कि पैसे से ही रिलेशंस डिसाइड होने लगे हैं, पैसे से ही फ्रेंडशिप चलती है। अगर पैसा है तो सोसाइटी में आपकी पूछ होगी, अदरवाइज आपको पैसे के बिना अपनी फैमिली में भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। यानी पैसे के अभाव में आपको कदम कदम पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और आपकी लाइफ आपके लिए एक बर्डन हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ एक सच ये भी है कि पैसे की इम्पोर्टेंस की बात तो सभी करते हैं, लेकिन कोई भी पैसे को सेव करने या सेविंग्स को बढ़ाने का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बताता और ना ही जानता है। बहुत से लोग पैसे को ना डेस्टिनी से जोड़कर देखते हैं और अपनी किस्मत पर छोड़ देते हैं, यानी किस्मत में पैसा होगा तो आएगा, और पूरी लाइफ इंतजार करते रह जाते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं सोच पाते हैं कि पैसे का कनेक्शन किस्मत से अगर होता तो लोग पैसा अर्न करने के लिए और सेविंग्स करने के लिए इतने एफर्ट्स ही क्यों करते। बहुत से लोग पैसे कमाते भी हैं लेकिन उनसे ना सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उन्हें सेविंग करने के प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते और समझते कि मनी से मनी यानी पैसे से पैसा कैसे अर्न किया जाए। बहुत से लोगों के पास पैसे की इतनी कमी होती है कि वो सेविंग्स के बारे में सोचते ही नहीं है। बहुत से लोग पैसा कमाने के साथ कर्ज भी बढ़ा लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसे को कैसे, कब और कहाँ खर्च करना है इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। क्या आप भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? क्या आपकी सेविंग्स भी नहीं बढ़ पा रही है? क्या आपकी लाइफ भी पैसे की कमी से एक बोझ की तरह लग रही है? क्या आपके मन में पैसे को लेकर स्ट्रेस हो रहा है? देखिए, अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही पैसे की वजह से लाइफ को बर्डन बनाने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, पल्लवी भारती और आप सुन रहे हैं शरद कुमार राजू की लिखी बुक मनी वाइज, द आम आदमीज गाइड टू वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की ऑडियो बुक समरी सिर्फ FM पर। दोस्तों, इस बुक समरी में आप पैसे को बेटर तरीके से यूज करने, पैसे की सेविंग्स करने और पैसे से पैसे को अर्न करने की टेक्निक और प्रोसेस जानेंगे और अपनी लाइफ में पैसे के इन्फ्लुएंस को बढ़ा पाएंगे। इस बुक के ऑथर शरद ने अपने एक्सपीरियंस और स्टडीज के बेसिस पर बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि पैसे का फ्लो हम कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए फिर जुड़ जाएं हमारे साथ इस शानदार सफर में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं और कैसे पैसे से पैसा अर्न किया जा सकता है सिर्फ कुकू FM पर। कुकू FM, सुने जो मन चाहे। डेवलप्ड कंस्यूमर। दोस्तों, इस बुक के ऑथर ने पैसे की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए एक रिलीजियस टीचर यानी धर्म गुरु और एक मटेरियलिस्टिक यानी भौतिकवादी इंसान का एग्जाम्पल दिया है। धर्म गुरु और भौतिकतावादी के बीच धर्म और अर्थ यानी पैसे के बारे में डिस्कशन चल रहा था। धर्म गुरु ने कहा कि पैसे से आप प्यार नहीं खरीद सकते। इस बात पर भौतिकतावादी ने कहा कि प्यार से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। इस कॉन्वर्सेशन से ये क्लियर होता है कि लाइफ में अगर धर्म की इम्पोर्टेंस है तो अर्थ यानी पैसे की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही है, बल्कि उससे ज्यादा है। अगर पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है तो प्यार से तो कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन साधु संतों को भले ही लाइफ में कोई फैसिलिटीज नहीं चाहिए, लेकिन खाना तो उन्हें भी चाहिए और खाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही एक पावरफुल ट्रूथ ये भी है कि सभी इंसानों के लिए साधु संत के रूप में अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना और वैसे ही जीना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंसान को सोशल एनिमल यानी सामाजिक प्राणी कहा गया है। दुनिया में वेल्थ के लिए न जाने कितने वार हुए हैं, और वार सिर्फ इस टाइम के मॉडर्न एरा में ही नहीं हुए हैं, हिस्ट्री का कोई भी एरा इससे बच नहीं पाया है। एग्जाम्पल के लिए, महाभारत का युद्ध भी संपत्ति के लिए ही हुआ था और वो भी एक ही फैमिली के बीच। इसलिए कहा जा सकता है कि इंसान को जीने के लिए अगर हवा पानी के बाद किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है पैसा। इस बुक के ऑथर ने इस फैक्ट को समझाने के लिए वाइफ और हस्बैंड का
एग्जाम्पल दिया है, उनके बीच एक डिवोर्स सिचुएशन का एग्जाम्पल दिया है। 2012 में अमेरिका के एक फैमिली में फाइनेंस और डिवोर्स के बीच के रिलेशन को लेकर एक स्टडी की गई। इस स्टडी में डिवोर्स के रीजन को एनालाइज किया गया। उस स्टडी के अकॉर्डिंग डिवोर्स का मेन रीजन ना तो लव था, ना सेक्स था, ना ही चिल्ड्रन थे, बल्कि डिवोर्स का मेन रीजन था पैसा। राइटर के अनुसार अगर इस तरह का सर्वे इंडिया में हुआ होता तो उसके पीछे भी पैसा ही मेन रीजन होता, क्योंकि इंडिया में मैरिजेस के पीछे पैसा डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होता है। हम सभी अपनी फैमिलीज और सोसाइटीज की लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अब्सॉर्ब करते हैं तो पाते हैं कि अगर किसी पेरेंट्स के दो लड़के हैं और उनमें से किसी एक की अर्निंग कम है तो उसकी वैल्यू फैमिली और सोसाइटी दोनों लेवल पर ज्यादा अर्न करने वाले से कम होती है। जो ज्यादा अर्न करता है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, उसके डिसीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पैसे की कमी, पैसे की जरूरत और पैसे के लिए भागदौड़ करते हुए हम सभी के मन में इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि काश हमारी लाइफ बचपन की तरह होती, जहां ना तो हमें पैसे की चिंता होती, ना किसी तरह की प्रेस्टीज की। इस बुक के ऑथर के अनुसार हमारे मन में जब भी इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारी लाइफ में पैसे का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंजूसी करते हुए एक एक पैसा बचाते हैं और कहते हैं कि पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। हर एक इंसान एक कॉन्ट्रडिक्शन में जीता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारे मन में किसी चीज के लिए लालच भी होता है और हम किसी चीज को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार होते हैं। इसी तरह पैसे को लेकर भी हमारे मन में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, यानी हम पैसे चाहते भी हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। जब तक हम पैसे की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम पैसे को लेकर डिस्कशन भी नहीं करेंगे, और जब तक हम पैसे को लेकर डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक हम किसी और सोल्यूशन की तरफ भी नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की लाइफ कर्ज के बर्डन से बर्बाद हो रही है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर होपलेस हो गया हो, फिर भी अगर वो अपनी प्रॉब्लम को अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं करेगा तो वो अपनी इस प्रॉब्लम से कभी निकल ही नहीं पाएगा। इसके साथ इस मॉडर्न एरा में पैसे की इम्पोर्टेंस इसलिए और ज्यादा है क्योंकि इस एरा में इंसान एक कंज्यूमर के रूप में चेंज हो गया है। हमारे सामने रोज लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टीवी के साथ न जाने कितने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन छाए रहते हैं और इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ की नेसेसिटी बन चुके हैं, यानी एक जरूरी हिस्सा, यानी इसके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल सी हो गई है। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन एरा में जन्म ले रहे हैं, यानी वो किसी फैमिली, किसी कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले उन कंपनीज का पार्ट बन जाते हैं जिनके प्रोडक्ट्स वो यूज करने लगते हैं। राइटर के अनुसार अगर किसी कॉमन मैन के पास कोई यूनिवर्सल राइट है तो वो है कंज्यूम, यानी उपभोग करने का अधिकार, क्योंकि विज्ञापन हमें प्रोडक्ट्स को सिर्फ खरीदने के लिए उकसाते नहीं है, बल्कि विज्ञापन हमारे अंदर उस प्रोडक्ट के प्रति हमारी इच्छा को भी बनाए रखते हैं। कहने का सेंस ये है कि हम जिस करंट टाइम में जी रहे हैं, इस टाइम में हमारे पास इतने गैजेट्स और इतने प्रोडक्ट्स हो गए हैं कि हम इन सब के बिना अपनी बेटर लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए कन्विंस किया जाता है। जब किसी कार का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें बताया जाता है कि इसमें तो भाई सक्सेसफुल लोग ही चलते हैं, और हम कार खरीद कर सक्सेसफुल होने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम इतने सारे गैजेट्स और प्रोडक्ट्स में कहाँ, कैसे और कितना इन्वेस्ट करें कि पैसे हमारी लाइफ को हैप्पीनेस से भर दें और हम पैसे का मिसयूज ना कर सकें। इसलिए अब हम मिसयूज से रिलेटेड फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और चलिए इसके लिए बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। आप आ रहे हैं ना? इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल। दोस्तों देखिए, जब हम मिसयूज की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड दो टर्म्स और होते हैं, मित व्ययिता यानी फ्रुगैलिटी और सेविंग। मित व्ययी लाइफस्टाइल को हम इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं। जब हम अपने पैसे का मिसयूज नहीं करते हैं तो इसका एक सेंस ये भी है कि हम कम खर्च करते हैं, या बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, या खर्च करने को लेकर हम सेंसिटिव हैं। इसके साथ जब हम मिसयूज नहीं करते हैं तो हम सेविंग की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम मिसयूज नहीं करते हैं तो हम सेविंग करते ही हैं। फिर भी मिसयूज ना करने की टेंडेंसी से हम सेविंग की टेंडेंसी को अपना सकते हैं।
पैसे की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये भी जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल को ही सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल ही कहा जा सकता है या सभी को इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल के साथ ही जीना चाहिए। राइटर के अनुसार इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल तब जरूरी हो जाती है जब आप एक दिन बिना काम किए अपनी लाइफ जीने के लिए तैयार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक दिन बिना काम किए अपनी लाइफ जीने के लिए तैयार होते हैं तो आपको इकोनॉमिकल लाइफ जीने के लिए भी तैयार होना चाहिए, यानी आपको सोच समझ के खर्च करना चाहिए। इसके साथ अगर आपका लक्ष्य सेल्फ डिपेंडेंट होने का है तब भी आपको इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल को वो कंजूसी से जोड़ देते हैं, इसलिए इकोनॉमिकल होने और कंजूस होने में डिफरेंस करना जरूरी है। जैसे हम सभी पैसे के प्रति अप्रोच को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन रखते हैं, वैसे ही इकोनॉमिकल होने और कंजूस होने को लेकर भी कॉन्ट्रडिक्शन रखते हैं, यानी इकोनॉमिकल और कंजूस होने को लेकर हम क्लियर नहीं होते हैं या झूठ बोलते हैं। इसलिए हम किसी पैसे के मामले में टॉप पर जो लोग हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करने में अपने आप को लॉस में ले जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल को लेकर कोई मजाक उड़ाए या हमें इग्नोर करे या हमें कम इम्पोर्टेंस दे। जो लोग इकोनॉमिकल होते हैं वो इसलिए इकोनॉमिकल होते हैं क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर होना चाहते हैं। वो इस बात में बिलीव करते हैं कि प्रेजेंट की हैप्पीनेस बहुत टाइम तक नहीं रहने वाली। अगर फ्यूचर को लेकर कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो प्रेजेंट की हैप्पीनेस को भी फील नहीं किया जा सकता। इसके साथ वो लोग भी इकोनॉमिकल होते हैं जिन्होंने टफ टाइम को देखा है। एग्जाम्पल के लिए, जिन लोगों ने वॉर, बाढ़, सूखा, गरीबी, भुखमरी, बीमारियों को झेला है, जिन लोगों ने मंदी, महंगाई और बेरोजगारी को फेस किया हो, वो लोग भी इकोनॉमिकल होते हैं, क्योंकि जब टफ टाइम चलता है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते या कम होते हैं। ऐसे में लोग सोच समझ के खर्च करते हैं, एक तरह से उनमें सेविंग करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, और जब टफ टाइम गुजर जाता है तो भी लोगों के पास सेव करने की टेंडेंसी बनी रहती है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हम सभी के दिल और दिमाग में ये बात डाली जाती है कि ज्यादा पैसे से ही ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। ऐसे में हम ज्यादा पैसा कमाने और ज्यादा पैसा कमाने वालों की लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हर एक चीज का ना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, यानी एक पॉइंट पर जाकर ये फीलिंग आती है कि पैसे से हैप्पीनेस को अचीव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फीलिंग और सैचुरेशन पॉइंट सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए पैसा आपके लिए कितना मीनिंगफुल है और हो सकता है ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। लेकिन सेविंग करना हर एक सिचुएशन में जरूरी होता है, क्योंकि हम या आप कोई नहीं जानता कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है। हो सकता है आपके सामने हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपकी जॉब छूट जाए। ऐसे में सेविंग्स ही आपकी लाइफ में आपको अपने नए एफर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं ना। इसलिए जब भी आप फाइनेंशियल रूप से सेल्फ डिपेंडेंट होने का लक्ष्य डिसाइड करें तो आपका फर्स्ट स्टेप सेविंग्स का होना चाहिए। लेकिन आपके पास इसके लिए एक सॉलिड रीजन भी होना चाहिए कि आप ऐसा स्टेप क्यों ले रहे हैं। जैसे ही आप अपने सेविंग स्टेप को एनालाइज करते हैं वैसे ही आप अपने फाइनेंशियल अप्रोच को लेकर अवेयर भी होते हैं। इससे आपका माइंड पैसे को लेकर क्लियर हो जाता है। आप इस डाउट में नहीं रहते कि हमें किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। आप अपनी लाइफ की नेसेसिटी और फाइनेंशियल कंडीशन को सबसे बेस्ट तरीके से समझते हैं। इसलिए पैसों को लेकर आपका जो अप्रोच है वो आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार ही होना चाहिए। जब आप अपनी जरूरत, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपनी लाइफस्टाइल को लेकर क्लियर हो जाते हैं तभी आप अपनी लाइफ, अपनी हैप्पीनेस को लेकर बनाए गए अजम्पशंस को चैलेंज कर पाते हैं, और यहीं से आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर।